हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर 5 मिनट फिजिक्स के सेगमेंट में एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो रिलेटेड है जो लाइट है, प्रकाश है, उससे रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स होते हैं जो लाइट शो करती है उसके बारे में है। तो अभी दो इफेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन को। तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में ये एक ग्लास है, ग्लास या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा सरफेस है जो कि स्मूथ है, शाइनी है और रिफ्लेक्टिंग है। मतलब ये जितनी भी लाइट इस पर इंसिडेंट होगी वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं है, पारदर्शक या पारभाषक नहीं है, ये एक अपारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट किसी ऐसे सरफेस से टकराती है जो कि चिकना हो, चमकदार हो और अपारदर्शी हो, तो उससे टकराने के बाद वो फिर से उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई होती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, वो इस तरह से हैं। इसे बोलते हैं जो रे आकर के इस ग्लास या फिर स्मूथ शाइनी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और टक्कर के बाद जो रे वापस लौट जाती है फिर से उसी मीडियम में उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये रे आकर के इंसिडेंट होती है, गिरती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। इसे बोलते हैं हिंदी में आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पर आकर के ये किरण गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री बनाते हुए इस सरफेस से एक लाइन खींची गई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, प्रकाश का जो परावर्तन है वो कुछ दो तरह से होता है। कैसे? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परावर्तक तल है, उसके टाइप के बेसिस पे। अगर हमारा ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एकदम बिल्कुल स्मूथ और प्लेन है तो इससे होने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर कहने का मतलब क्या हुआ? रेगुलर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश की जो पुंज है या फिर जो बीम ऑफ लाइट है जो कि आकर के इंसिडेंट हो रही है वो अगर पैरलर है तो आपको जो रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट मिलेगी वो भी क्या होगी? पैरलर होगी। और इसी को बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन वैसे सरफेस से होता है जो कि सरफेस ही इररेगुलर होता है। मतलब उथला पुथला उबड़ खाबड़ सरफेस से जो होने वाला परावर्तन है वो होता है अनियमित परावर्तन। और एक चिकने चमकदार और प्लेन स्मूथ सरफेस से होने वाला जो परावर्तन होता है वो होता है नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरे आगे बढ़ते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है? जब हमने प्रकाश के परावर्तन को देखा तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एक ही मीडियम में आकर के खत्म हो गया था। लेकिन जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए हमेशा दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तभी जाकर के प्रकाश का अपवर्तन होगा। बाकी अगर प्रकाश किसी एक ही माध्यम में ट्रेवल करेगी तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे होता है प्रकाश का अपवर्तन? जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं या सभी लोग जानते होंगे कि लाइट की ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जो वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, एक सीधी रेखा पर चलती है प्रकाश। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि सूरज से चलकर के जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है अगर वो सीधे न चल रहा होता तो इधर उधर स्पेस में कहीं भटक जाता, न कि पृथ्वी पर आता। तो ये हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो यहां देखिए, अगर प्रकाश जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो उसकी टेंडेंसी के विरुद्ध चली जाती है, जो कि टेंडेंसी होती है प्रकाश की कि सीधे रास्ते पर चलने की। लेकिन प्रकाश सीधे रास्ते पर न जाकर के अपने रास्ते से भटक जाता है। प्रकाश का अपने रास्ते से यही भटकना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कैसे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से होकर के आती है और जब वो एक ऐसे सरफेस से टकराती है जो कि दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है तो उस सरफेस से टकराने के बाद वो अपने एक्चुअल पाथ पर न चल कर अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। और लाइट का अपने पाथ से यही डिफ्लेक्शन कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे भी रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं। जो रे आकर के इस मीडियम की बाउंड्री पर टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण। और जो किरण प्रकाश की अपने रास्ते से भटक करके आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण। और
जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर प्रकाश की ये जो आपतित किरण गिरी हुई है, इस पर एक हम सरफेस पे नॉर्मल खींचते हैं और इसे ये क्या करता है, दोनों मीडियम के बाउंड्री पर परपेंडिकुलर बनाते हुए होता है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो दो तरह से कैसे हो सकता है। यहां देखिए आप, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी होगा जब दो मीडियम में लाइट एक साथ ट्रेवल कर रही होगी, एक मीडियम से होकर के दूसरे मीडियम की तरफ टेंड कर रही होगी, बढ़ रही होगी। तो यहां देखिए, एक हमारे पास मीडियम है रेयरर और एक डेंसर। रेयरर कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण यानी मीडियम पार्टिकल काफी दूर दूर हो उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और एक ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण काफी पास पास होते हैं उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। इसे बोलेंगे हिंदी में विरल माध्यम और इसे बोलेंगे सघन माध्यम। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था इस नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है और रिफ्रैक्ट होकर के अपवर्तित होकर के आगे बढ़ जाती है। तो एक ये हो गया रिफ्रैक्शन का ये टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया है उस नॉर्मल से अवे होकर के रिफ्रैक्ट होती है, मतलब इस नॉर्मल से दूर जाती है। तो रिफ्रैक्शन का दो टाइप हो गया, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक हो गया अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होके और एक नॉर्मल की तरफ झुक करके। अब जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां पे मैं एक बात बताना भूल गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम दो नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया जो नॉर्मल होता है वो तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये है, या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इन दोनों नियमों को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहां पर भी हम देख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो क्या होता है, ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दीज ऑल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट से होकर के जाती हैं, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होती है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। उसके बाद से जो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, ये आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, या हिंदी में बोले तो आपतन कोण, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसे हम एन से यहां डिनोट करते हैं, और एन जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। आप पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को आप यूं समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा टर्म होता है जो बताता है कि कोई भी मीडियम या कोई भी माध्यम कितना डेंस है और कितना रेयर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो माध्यम काफी घना होगा, और एक ऐसा माध्यम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो माध्यम काफी विरल होगा, अर्थात तो उस माध्यम के कण काफी दूर दूर होंगे। तो ये रहा 5 मिनट फिजिक्स का सेक्शन जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।